नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज हम जिन आर्टिकल्स के बारे में बात करने वाले हैं, उनमें से पहला आर्टिकल है WTO के बारे में। WTO के डायरेक्टर जनरल के इलेक्शंस होने वाले हैं। नाइजीरिया से और जो साउथ कोरिया है, यहाँ से दो प्रतिनिधि है जो ये डायरेक्टर जनरल के इलेक्शन लड़ने वाले है। इन्हीं में से एक इलेक्ट होके आएगा। तो यहाँ पे इस बार इस इलेक्शन में विशेष बात यह है कि दोनों ही कंटेंडर महिलाएं हैं, दोनों ही फीमेल है। तो 25 वर्षों की WTO की हिस्ट्री में यह पहले दफा है कि कोई महिला डायरेक्टर जनरल इलेक्ट होगी या डायरेक्टर जनरल बनेगी। उसके बाद में जो हमारा दूसरा आर्टिकल है, ये खाद्य सुरक्षा के बारे में है। हमारे देश में बहुत विविध प्रकार के लोग हैं, बहुत विविध प्रकार के इकोनॉमिक क्लासेस है। उनमें से ऐसा बहुत बड़ा तबका है जो अभी भी अंडर नरिश्ड रह जाता है, कुपोषित रह जाता है, जिन तक प्रॉपर फूड जो है नहीं पहुंच पाता, जिन तक खाना नहीं पहुंच पाता है। तो खाद्य सुरक्षा हमारे देश के लिए लंबे समय से एक समस्या रही है, अभी भी ये समस्या बनी हुई है। हमारे देश में जो अनाज आता है वो अपनी लिमिट से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, फिर भले ही वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल हो, हर क्षेत्र में ही हमारे पास में खाद्यान्न पर्याप्त है या उससे ज़्यादा ही है, फिर भी ये समस्या, फूड सिक्योरिटी की समस्या हमें देखने को मिलती है। तो उस बारे में ये आर्टिकल बात करता है कि ये समस्या क्यों हो है और इससे कैसे निराकरण पाया जा सकता है। अंत में न्यूज़ इन फ्लैश होता है, जिनमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ। उससे पहले लॉ सीखो की ये कुछ कोर्सेज और पैकेजेस हैं। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉट ऑफ द कोर्सेज, जो कि हमारी न्यायिक परीक्षा की तैयारी के लिए है। तो अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये कोर्स की जानकारी जरूर लॉ सीखो की वेबसाइट पे जाके लीजिएगा। उसके अलावा भी लॉ सीखो के और भी कोर्सेस है। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो आज का MCQ देखते हैं। आज का MCQ ये है कि 2021 के गणतंत्र दिवस पे, रिपब्लिक डे पर कौन चीफ गेस्ट रहने वाले हैं? आपका ऑप्शन ए है बोरिस जॉनसन, ऑप्शन बी है जेयर बोल्सोनारो, ऑप्शन सी है स्कॉट मॉरिसन या ऑप्शन डी जैसिंड्रा अर्डन। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज के भारत में, आज के मॉडर्न डे भारत में फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आपको चर्चा करनी है कि ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस है फूड सिक्योरिटी को लेकर और उसके क्या सॉल्यूशन, क्या निराकरण हो सकते हैं। आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए हमारा जो पहला आर्टिकल है WTO के चैलेंजेस, चुनौतियों के बारे में है। तो समाचार में कैसा आया, ये पहली दफा है 25 साल की हिस्ट्री में WTO की कि कोई वुमेन डायरेक्टर जनरल बनने वाली है, क्योंकि नाइजीरिया की जो फाइनेंस मिनिस्टर है नोगोजी ओकोनजो लेवेला और साउथ कोरियन ट्रेड मिनिस्टर यू म्योंग ही, ये तो कंटेंडर है डायरेक्टर जनरल की पोस्ट के लिए। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि दोनों महिलाएं हैं, तो 25 वर्षों में पहली दफा होने वाला है कि कोई महिला डायरेक्टर जनरल बनने वाली है। कुछ इश्यूज है, कुछ चुनौतियां है जो WTO के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी और इन दोनों में से जो भी डायरेक्टर जनरल बनती है उनके लिए ये बहुत जरूरी हो जाएगा इन चुनौतियों का सामना करना और उसका सॉल्यूशंस निकालना। तो यहाँ पर बात यह है कि कौन कौन से इश्यूज है, कौन कौन से चैलेंजेस है। तो सबसे पहला तो ये है कि जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज है, इनके बीच में एक डिवाइड हमेशा से WTO में देखने को मिला है। दोहा डेवलपमेंट एजेंडा का अगर आप उदाहरण ले लीजिए तो यहाँ पर कोर डिवाइड देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर डेवलप्ड कंट्री नहीं चाहती है कि लगातार उन पर भार बना रहे और डेवलपिंग कंट्रीज को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलते रहे। फिर वो भले ही ई कॉमर्स से जुड़े हुए कोई मुद्दे हो या भारत में जैसे सब्सिडी मिलती है यहाँ के किसानों को वैसे मुद्दे हो, तो इन सारे मुद्दों पे एक बहुत बड़ा डिवाइड बना हुआ है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में। उसके अलावा WTO का डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म जो है कि कोई भी विवाद निराकरण, एक जो पूरी प्रणाली होती थी उसको रिस्टोर करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, खास तौर पे जो WTO का अपीलेट है, जो ये डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म की जो अपीलिंग बॉडी है उसको रिवाइव करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती होने वाली है, राइटर बताते हैं। उसके अलावा चेंजिंग इन द डेफिनेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, तो डेवलपिंग कंट्रीज की जो डेफिनेशन है उसमें चेंज लाया जा सकता है,
क्योंकि डेवलपिंग कंट्री का अगर आपको टैग मिला हुआ है किसी कंट्री को, तो वो स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट के पाने की हकदार होती है। तो इस डेवलपिंग कंट्री के अगर जो क्राइटेरिया में आते हैं, जैसे कंट्री इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और तुर्की, ये कुछ कंट्रीज है जो डेवलपिंग कंट्रीज की डेफिनेशन में आती है, इसीलिए इन्हें स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है। अब भारत के लिए भी एक ये यहाँ पे चुनौती होती है, चाइना जैसे देश अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज की डेफिनेशन में है, तो जरूर यहाँ पर एक ये कदम उठाना जरूरी हो जाता है कि जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज की डेफिनेशन है, यहाँ पर बदलाव लाना तो बहुत जरूरी है। लेकिन अब जैसी चाइना जैसी कंट्री है, तो क्या ये मान पाएंगे, क्योंकि आपका स्पेशली जो ट्रीटमेंट है, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है, स्पेशल स्टेटस है, वो यहाँ से निकल जाएगा। उसके अलावा कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग इन WTO, तो यहाँ पर कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग जो है बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि अगर एक मेंबर भी इसके अगेंस्ट हो किसी भी प्रोसेस के या डिसीजन के, तो वो वापस लेना पड़ता है। तो यहाँ पर इसीलिए सबकी कंसेंसस, सबकी सहमति होनी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है जब भी आप कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हो WTO में या उससे जुड़े हुए मुद्दों पर। उसके अलावा कुछ लेसन्स है जो COVID-19 से मिल सकते हैं। तो WTO के लिए क्या क्या लेसन है, क्या क्या शिक्षाएं हैं, सबसे पहले तो ये कि इंश्योर दैट सप्लाई चेन रिमेन्स फ्री एंड ओपन, जो आपकी सप्लाई चेन होती है इसे फ्री और ओपन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमें पता चला COVID-19 के दौर में, क्योंकि COVID-19 में हमने देखा कि किस कोई कंट्री के पास में मेडिसिन थी, किसके पास में सेफ्टी इक्विपमेंट्स थे, किसके पास में टेक्नोलॉजी थी, किसके पास में मेडिकल का ज़्यादा रिसर्च था, सारी कंट्रीज की अपनी अलग अलग स्पेशल चीज़ें थी। तो यहाँ पर अगर सप्लाई चेन और ऐसी चीज़ें अगर ओपन रहती, तो हम हो सकता था और तेज़ी से COVID-19 से टैकल कर पाते और जल्दी से निराकरण कर पाते। उसके अलावा रिकमेंडिंग अ स्टैंडर्ड हार्मोनाइज सिस्टम विथ क्लासिफिकेशन ऑफ वैक्सीन्स एंड रिमूवल ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, तो यहाँ पर आप स्टैंडर्ड, आपको ऐसा स्टैंडर्ड और हार्मोनाइज सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है जो कि वैक्सीन कैसे बटेंगी सारे देशों में, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में, उसे देख सके, और साथ में जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस है कुछ स्पेशल स्टेटस के क्राइटेरिया के अंदर, वो भी कैसे निकाले जाए। उसके अलावा प्रमोट वॉलंट्री शेयरिंग एंड पूलिंग ऑफ IPR वैक्सीन नेशनलिज्म, तो वैक्सीन नेशनलिज्म देखने को हमें मिल रहा है कि जिस कंट्री में दवाई की खोज हो रही है, सबसे पहले वही अपनी आपूर्ति पूरी करने में लगे हुए है। तो यहाँ पर ऐसे भी कदम उठाने की जरूरत है कि यहाँ पर ये वैक्सीन नेशनलिज्म की जो समस्या है वो दूर हो पाए, और कैसे सारे लोगों तक जो फायदा है वैक्सीन और उससे जुड़ी हुई जो पब्लिक वेलफेयर की चीजें हैं, उसका सारे देशों की सारी जनता के पास में एक कॉमन फायदा पहुंच पाए। तो यहाँ पर वॉलंटरी शेयरिंग एंड पूलिंग ऑफ IPR, क्योंकि जब भी किसी चीज का IPR हो जाता है, उसका एक रजिस्ट्रेंट यहाँ पर पेटेंट हो जाता है, तो उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे होता यह है कि जो निम्न तबका है, जो इकोनॉमिकली वीक क्लास है, उसको अफोर्ड नहीं कर पाती है। तो ये कुछ लेसन्स और चुनौतियाँ बताई है राइटर ने इस आर्टिकल में। आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा इंसाइट इस आर्टिकल में मिलेगा। तो चलिए हमारा जो दूसरा आर्टिकल है फूड सिक्योरिटी के बारे में, खाद्य सुरक्षा के बारे में। तो इवन आफ्टर 73 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारी इंडिपेंडेंस को 73 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन अभी भी फूड सिक्योरिटी एक बड़ी समस्या है। फूड सिक्योरिटी की जब बात करते हैं, खाद्य सुरक्षा की तब बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि हर इंसान तक, हर पॉपुलेशन में हर एक पर्सन तक बराबर से फूड खाना पहुंच पाए और उसे अंडर नरिशमेंट या कुपोषण की समस्या से जूझना नहीं पड़े। तो यहाँ पे कुछ रिलेटेड रिपोर्ट्स और रैंकिंग्स है। अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 को देखें, तो यहाँ पर 107 कंट्री में भारत की स्थिति 94th पर है। तो यहाँ पर हंगर इंडेक्स से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितना जो खाद्य पूर्ति है वो लोगों की हो पाती, कितने लोगों को खाना मिल पाता है और कितना परसेंटेज मिल पाता है, इसका ये इंडेक्स है, ग्लोबल इंडेक्स है। तो इसमें 107 देशों में हम जब 94th रैंक पे है, तो ये अपने आप में बताता है कि हमें इस पे सुधार की अभी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, क्योंकि बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल जैसी कंट्री से हम पीछे है, काफ़ी पीछे है यहाँ पर, इसलिए हमें काम करने की इस और आवश्यकता है। उसके अलावा UNFAO की रिपोर्ट अगर हम देखें, तो 194 मिलियन पीपल गो हंग्री एवरी डे इन इंडिया, मतलब 194 मिलियन लोग जो है वो भारत में रोज भूखे पेट सो जाते हैं, उनको हंगर की, उनको
खाना नहीं होने की एक समस्या से जूझना पड़ता है, वो अपनी दो वक्त की रोटी का इंतजाम भी नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर अगर वर्ल्ड में हम अंडर नरिश देखें, कुपोषित लोग देखें, तो उनके 23% जो कुपोषित लोग हैं, मतलब करीब करीब 1/4 जो हिस्सा है वर्ल्ड में कुपोषित लोगों का, वो भारत में रहता है। उसके अलावा ये तो हो गई हमारी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स। अगर हम नेशनल लेवल पे देखें, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर डेटा को यहाँ देखें, तो उनका कहना है कि 62,000 टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स वर डैमेज्ड इन FCI वेयरहाउसेस 2011 से 2017 के बीच में। तो 2011 से 17 के बीच में करीब करीब 62,000 टन्स जो फूड ग्रेन्स है ये बर्बाद हो गया है। तो ये अपने आप में बताता है कि हमारे पास में जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कितनी पुअर है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में खाना नहीं है, ग्रेन्स नहीं है, अनाज नहीं है, लेकिन हमारा मैनेजमेंट कहीं ना कहीं पीछे चूक रहा है। हमारी स्टोरेज कैपेसिटी कहीं ना कहीं उसकी कमी यहाँ पर उठ के दिखती है। तो 2016 और 17 की अगर बात करें तो 8,600 टन जो ग्रेन्स है वो लॉस्ट हुआ, ये जो 8,600 टन अनाज जो है वो खराब हो गया। तो यहाँ पे मल्टीट्यूड ऑफ जेन्युइनली पुअर फैमिली डू नॉट पजेस रेशन कार्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि सरकार के द्वारा स्कीम नहीं चलाई जा रही है, पीडीएस सिस्टम भी है, लेकिन जो जेन्युइन फैमिलीज है, जिन्हें सच में ज़रूरत है, उनके पास में राशन कार्ड ही नहीं है। क्योंकि आपको अगर पीडीएस सेवा का फायदा उठाना है, अगर इस स्कीम का फायदा उठाना है, आपको राशन चाहिए कम दर में या बहुत कम दर में, तो आपके पास में राशन कार्ड होना जरूरी है। आपको अनाज चाहिए कम दरों में, तो लेकिन जो जेन्युइन फैमिलीज है, फॉर एग्जांपल जो नॉमेडिक ट्राइब हो गए, घुमंतू जातियाँ हो गई, जो इधर से उधर माइग्रेट करते हैं, माइग्रेटरी वर्कर्स हो गए, इनके पास में तो राशन कार्ड है ही नहीं, तो ये कैसे इसका फायदा उठा पाएंगे, राइटर ने ये क्वेश्चन किया है। उसके अलावा फूड प्रोडक्शन इन इंडिया, अगर फूड प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो प्रोड्यूसेस मोर देन एस्टिमेटेड अमाउंट रिक्वायर्ड टू फीड द एंटायर पॉपुलेशन। तो जितना खाद्य हमें उत्पादन करने की आवश्यकता है उससे कहीं ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। 283.37 मिलियन टन का प्रोडक्शन हुआ है 2018-19 में। उसके अलावा रैंक फर्स्ट इन मिलेट प्रोडक्शन, जो मोटा अनाज है उसके उत्पादन में हम वर्ल्ड में नंबर 1 है। राइस, चावल और गेहूं के उत्पादन में हम नंबर 2 में है वर्ल्ड में। उसके अलावा जो हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, जो हमारे वेजिटेबल्स है, इसमें भी हमारा प्रोडक्शन सरप्लस रहा है। 313 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन हुआ है 2018-19 में। तो कौन कौन से स्टेप्स की ज़रूरत है? सबसे पहले इंश्योर रिन्यूमरेटिव प्राइसेस फॉर फार्म प्रोड्यूस MSP टू बी मेड अवेलेबल टू मैक्सिमम प्रोड्यूस। तो यहाँ पर राइटर ने सजेस्ट किया है कि आप मैक्सिमम यहाँ पर प्रोड्यूस जो होता है उसमें MSP लागू कर दीजिए, इसका प्रोक्योरमेंट कीजिए। तो सरकार वो आपस वो जो है प्रोडक्शन वो जो PDS के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो यहाँ पे पब्लिक MSP देना और उसके साथ में पब्लिक प्रोक्योरमेंट, पब्लिक प्रोक्योरमेंट का मतलब ये होता है कि सरकार खुद ही खरीद लेती है किसानों से और फिर वो अपने PDS सिस्टम में वहाँ से ट्रांसफर कर देती है, फिर वो PDS सिस्टम के माध्यम से सब लोगों में बराबर कम कीमतों पर बिक जाता है। तो इस तरीके के सिस्टम को आपको रिवाइव करने की यहाँ पर, उसको और सुधारने की यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी सिस्टम है, लेकिन इसको और सुधार करने की यहाँ पे गुंजाइश बनी हुई है। तो चलिए आज का न्यूज़ इन फ्लैश देखते हैं। वो ये सबसे पहला ये है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो यूनाइटेड नेशंस जारी करता है, इनकी रिपोर्ट आ गई है 2019 की। तो उसमें हम 131वें स्थान पे है आउट ऑफ 190 कंट्रीज। तो 190 कंट्रीज में हम 131वें स्थान पे है। तो यहाँ पर भारत के लिए थोड़ी चिंता का विषय इसलिए बनता है क्योंकि पिछले साल की अगर रैंकिंग देखें तो हम 129वें पायदान पे थे और हम अब दो पायदान और नीचे जाके 131वें पायदान पे आ गए हैं। अब ये पहली दफा था कि जब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उन्होंने नए पैरामीटर इंट्रोड्यूस करिए, जैसे पर कैपिटा कितना कार्बन एमिशन होता है, कितना मटेरियल फुटप्रिंट है, ये सारी चीज़ें भी इन्होंने इस बार इंक्लूड करी है। तो चलिए जो दूसरी खबर है ये राजा चारी जी जो है इन्हें स्पेस एक्स प्रोग्राम में कमांडर नियुक्त किया गया है। तो ये इंडियन अमेरिकन ओरिजिन के है, US एयरफोर्स में ये कर्नल है। तो राजा चारी हैज बीन सिलेक्टेड एज अ कमांडर ऑफ स्पेस एक्स मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बाय नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA। तो ये प्रोग्राम जो है वो नेक्स्ट ईयर चालू होने वाला है, लॉन्च होने वाला है। देखते हैं कितना सफल रहेगा ये। जितना हम अंतरिक्ष जगत में आगे बढ़ते जाएंगे ह्यूमनकाइंड के लिए भी उतना ही ज़्यादा फायदा देखते रहेंगे। हो सकता है हमें और वर्ल्ड में भी कहीं लाइफ देखने को मिले या हम खुद एक लाइफ और भी ग्रह पे बना
सके। तो चलिए हमारा जो आज का विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप लॉ सीखो की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।